बताएंगे कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाना है। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो पहले आपको अपडेट देखूं कि 16,300 बिक गया बॉश, आपको जो मैं 13,500-14,000 में कहता था, और मैं अभी भी कहता हूं कि ऑटो ओईएम विल डू वेरी वेरी वेल एंड स्पेशली द ग्लोबल वंस। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी और आज जीएमआर भी 39,500 बिक गया, तो जिन्होंने लिया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बने रहिए क्योंकि ये स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। अब आप कहें तो दो पिक्स हैं जो मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है। पहले तो गला कैसा है आपका, उसके बाद पिक्स। गला तो सर अभी चल ही रहा है, थोड़ा एक आध दिन और लगेगा। हाँ बस इज पिक्स कौन सी? तो देखिए पहला होएगा, देखिए फोर्जिंग इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल ऑन द बैक दैट यूरोप और थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फोर्जिंग कंपनीज भारत फोर्ज मेरे हिसाब से यहाँ से एक्चुअली तो अगले साल तक 1,000 का भाव है, लेकिन अभी आप लीजिए 744-745 में स्टॉप लॉस ऑफ 735 का भाव मुझे दिखता है, और 785 शायद 2-3 दिन में ही आ जाए बिकॉज आई थिंक जो ग्लोबल फ्लो और ऑटो का जो अब रोनाग रहेगा उसमें फोर्जिंग इंडस्ट्री विल बी बिग बेनिफिशियरी एंड भारत फोर्ज विल लीड। दूसरा भाई होएगा जो सब वेट कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी के शेयर हाथ में नहीं आए, अब टाइम है। अब ये 3 दिन से फॉल आई है और सबसे बढ़िया रिजल्ट आएगा टेक महिंद्रा का, द मोस्ट रीजनेबल स्टॉक 1400-1402-3 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1372, 1450 का टारगेट, बट टेक महिंद्रा इज अ फेवरेट स्टॉक विच कैन आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर टिल दिवाली। आई डोंट रूल आउट 1750-1800 कमिंग ऑन टेक महिंद्रा, इट्स अ मस्ट एड इन योर पोर्टफोलियो। अरे वाह, दो बढ़िया पिक्स आपके लिए आ गई, भारत फोर्ज और टेक महिंद्रा। भसीन सर थैंक यू सो मच। और लेकर आइए भाई रविंदर ठक्कर साहब को स्क्रीन पर, वोडाफोन इंडिया के MD और CEO हमारे साथ अब इस समय जुड़ते हुए। ठक्कर सर बहुत बहुत धन्यवाद। CNBC